गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स गॉड ब्लेस यू। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ऑफ एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स फर्स्टली आई से टू यू दैट हाउ वी राइट एन एप्लीकेशन, इसका मतलब होता है कि हम कैसे एक एप्लीकेशन लिखें, हम एप्लीकेशन कैसे लिखें। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए बच्चे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ बातों का ध्यान एप्लीकेशन लिखने से पहले हमें रखना पड़ता है, रूल का को फॉलो करना पड़ता है। वी फॉलो द रूल ऑफ राइटिंग एन एप्लीकेशन। फर्स्टली पहला रूल है बच्चे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में प्रथम चरण में हम जिसको हम लिखते हैं, जिन साहब को, जिनको किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में या किसी कार्यालय में यदि हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसका पहला जो चरण होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, उसको सैल्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैल्यूटेशन। उसमें हम पहले यहाँ मान लीजिए कि हम अपने प्रिंसिपल साहब को, टू द प्रिंसिपल लिख रहे हैं, प्रिंसिपल साहब को हम एक एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं, जिसमें तो पहला सैल्यूटेशन में होगा टू द प्रिंसिपल। टू द प्रिंसिपल, टू के पास में हम कोई कॉमा नहीं देते हैं, लेकिन प्रिंसिपल जब टू द प्रिंसिपल जब लिखते हैं तो वहाँ पर हम उसे कॉमा डालते हैं। बच्चे एप्लीकेशन और लेटर में, खास करके एप्लीकेशन में कॉमा और पैराग्राफ चेंजिंग का बहुत ही महत्व होता है, ये ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला चरण मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट स्टेज आई टोल्ड यू सैल्यूटेशन। क्या बताया? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में ये होता है टू द प्रिंसिपल। उसके बाद उसके नीचे हम स्कूल का नाम, एड्रेस लिख देते हैं, है ना, जो एड्रेस है स्कूल का या जहाँ जिस कार्यालय का जो एड्रेस है, पता है, उसको हम लिख देते हैं। ओके, तो दूसरा हो गया, पहला हो गया सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में टू द प्रिंसिपल एंड देयर एड्रेस। दूसरा चरण है बच्चे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, हम क्या चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, क्या चीज़ के लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उसका सब्जेक्ट विषय होना चाहिए। तो दूसरा विषय हो गया, विषय में हमें छुट्टी कई दिनों के लिए चाहिए, ये लिखना होता है। तो लीव फॉर 3 डेज, हमको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, 5 दिन की छुट्टी चाहिए, 10 दिन की छुट्टी चाहिए, 1 महीने की छुट्टी चाहिए, इसके लिए हमें यहाँ निर्दिष्ट करना होता है, हमें इंगित करना होता है, हमें बताना होता है, हमें लिखना होता है कि लीव फॉर 5 डेज, लीव फॉर 3 डेज, लीव फॉर 10 डेज, लीव फॉर 15 डेज, लीव फॉर ए मंथ। ओके, ये लिखना होता है। तो आपका एप्लीकेशन वहाँ जो ही प्रोड्यूस होगी, प्रिंसिपल या मैनेजर या ऑनर ये समझ जाएंगे कि ये आदमी क्यों आया है। यूं रखे टेबल पर और सब्जेक्ट देखने के बाद अगला जो साहब हैं या प्रिंसिपल हैं या जो हमसे बड़े हैं वो समझ जाते हैं कि ये एप्लीकेशन किस कारण से आया है, व्हाट इज द काउज ऑल अबाउट दिस एप्लीकेशन। ओके, तो दूसरा चरण हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखने के बाद मूल बातें पता चल जाती है जो इस एप्लीकेशन का मतलब क्या है, इसीलिए सब्जेक्ट देना आवश्यक होता है। उसके बाद फिर हम तीसरा चरण है बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, हम लिखना शुरू करते हैं फॉर्म में, पूरा उसको डिटेल्स में लिखना शुरू करते हैं, वर्णन करते हैं हमको कैसे क्या है, हमको कैसे कहाँ जाना है, किस के का चीज़ के लिए हमको छुट्टी चाहिए, इस सब के बारे में पूरा विवरण लिखना होता है। तो विवरण नहीं लिखने उसका होता है बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, उसको बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन कहते हैं। तो इसको तीसरा, ये तीसरा रूल हुआ, क्योंकि बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन उसमें हम
सर से शुरू करते हैं, सर के पास डियर सर भी लिख सकते हैं, सर भी लिख सकते हैं, रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, हाँ एज यू लाइक यू कैन राइट, ओके। तो हम यहाँ लिखे हैं सर, विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम गोइंग टू पटना टू ज्वाइन माई सिस्टर्स वेडिंग सेरेमनी। इसका मतलब होता है बच्चे कि महाशय, सर का मतलब महाशय होता है कि अभिवादन करते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं अपने बहन की शादी में पटना 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, 3 दिन के लिए पटना अपने बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए जा रहा हूँ। ज्वाइन मतलब होता है सम्मिलित होना, तो सम्मिलित होने जा रहा हूँ 3 दिनों के लिए, फॉर थ्री डेज 3 दिनों के लिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे आई देयर फोर रिक्वेस्ट टू यू प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज फ्रॉम, मतलब कृपा करके हमें 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, फ्रॉम 3rd May to 5th May, 3 मई से लेकर के 5 मई तक मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं स्कूल में अटेंड नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ओके। हैव यू एनी प्रॉब्लम? आई मीन देर इज नो एनी प्रॉब्लम ऑल अबाउट दिस मैटर, ओके स्टूडेंट्स। एंड जब हम यहाँ तक लिख देते हैं उसके बाद फिर हम पैराग्राफ चेंज कर लेते हैं। पैराग्राफ चेंज करने के लिए इसको बोलते हैं रूल नंबर 4, एंड ऑफ द एप्लीकेशन। जब हम एप्लीकेशन को ख़त्म करने पर, ये तो मेरा पूर्ण विवरण हो गया, मैं उन्हें बता दिया कि मैं क्यों जा कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, हमें कई दिनों की छुट्टी चाहिए, ये सारा विवरण इसमें हम डाल दिए, मतलब बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन में सारा चीज़ हम डाल दिए। अब हमें एप्लीकेशन का अंत करना है। अंत करने के लिए हमें क्या लिखना होता है? फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस कृपा के लिए, काइंडनेस का मतलब होता है कृपा, इस कृपा के लिए मैं आपका सदा के लिए आभारी रहूंगा। आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू, आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू, मतलब हमेशा के लिए आपका सदा आभारी रहूंगा, सदा, हमेशा का मतलब सदा, सदा आभारी रहूंगा। लिखते हैं, आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, तो ये लिख देते हैं। उसके बाद हम अंत में लिखते हैं योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंट पुपिल, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। योर्स कॉमा दे करके, अपोस्ट्रोफी दे करके भी योर्स लिख सकते हैं, बिना अपोस्ट्रोफी का भी योर्स लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ हम बिना अपोस्ट्रोफी का भी क्या ही एस लिखे हैं, ठीक है, देर इज नो एनी प्रॉब्लम। योर फेथफुली, आपका आज्ञाकारी, नाम, नेम, क्लास, रोल, सेक्शन एंड डेट, ये सब अंत में लिखना आवश्यक होता है, क्यों कि हम किस डेट को किस समय में ये लेट एप्लीकेशन लिख रहे हैं, है ना। हमें आशा है, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड वेल हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, ए लॉट ऑफ थैंक्स ऑल ऑफ यू।